हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहे हैं कि स्टेटमेंट वन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल ये होता है क्या? सबसे बड़ा साइज आयरन का, फिर कोबाल्ट का, फिर निकल का होता है क्या? ये स्टेटमेंट वन है। सेकंड स्टेटमेंट है कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज डिक्रीज फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट फ्रॉम एफ टू निकल एंड देन इंक्रीज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। तो ये चेक करते हैं कौन स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, या फिर दोनों सही है दोनों गलत है। बस हमें ये बताना बेटा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये किसके एलिमेंट है हमारे, ये 3D सीरीज के एलिमेंट है। स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम के बाद बेटा हमारा आता टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वैनेडियम, वैनेडियम के बाद आता बेटा क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आता है बेटा मेरा मैंगनीज, मैंगनीज के बाद आता है बेटा मेरा Fe, Fe मतलब आयरन, उसके बाद आता है बेटा कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल, निकल के बाद कॉपर, कॉपर के बाद जिंक, है ना। तो हमें इतना पता है बेटा 3D सीरीज के एलिमेंट है ये, है ना। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेटा हमें पता है अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करने पे होता क्या, इन जनरल बताइए। इन जनरल हम पूछ ले कोई आपसे कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे तो अब क्या होगा बेटा, तो हमें पता है कि साइज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज होता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे रीजन होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, जेड दैट इज ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए बेटा एटॉमिक नंबर, ठीक है, और सिग्मा, सिग्मा होता है बेटा स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, और ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है बेटा, इनर इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा उतने ज्यादा क्या करेगा बेटा, रिपल्शन करेंगे और हमारा जेड इफेक्टिव कम करते जाएंगे। जेड इफेक्टिव अगर कम हुआ तो साइज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ तो साइज डिक्रीज होगा। तो यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है इन जनरल। अब बात करें बेटा इसमें क्या होता है, क्या वेरिएशन आता है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, जब अगर आप मूव करोगे ना स्कैंडियम से क्रोमियम तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक हमारा, तो साइज क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज क्यों होगा वो तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसे तो होना चाहिए था डिक्रीज बेटा पूरी सीरीज के लिए, ठीक है, अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ेगा। अब आप कहोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा क्योंकि हमारा एटम नंबर बढ़ रहा है, तो आप कहोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, पर बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने का इफेक्ट ज्यादा होता है अप टू द क्रोमियम, ठीक है। अप टू द क्रोमियम क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने का इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से बेटा डोमिनेट कर जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा डोमिनेट कर रहा होता है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा डोमिनेट कर रहा होता है, ठीक है। एग्जैक्ट बताऊं तो बेटा स्कैंडियम से लेके पूरा क्रोमियम तक साइज क्या हो रहा होता है बेटा, मेरा हमारा डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि मैंगनीज से लेके लगभग बेटा निकल तक, मैंगनीज से लेके बेटा लगभग निकल तक साइज क्या हो रहा है बेटा, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाता है, साइज सेम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, दोनों ही फैक्टर्स बेटा आपस में क्या कर रहे थे, एक दूसरे को काउंटर कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं बेटा, ऐसे एक दूसरे को काउंटर कर रहे होते हैं। तो ऐसे बोल सकते हो कि डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इन इनिशियली इन द बिगिनिंग क्या हो रहा है बेटा, ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, ठीक है। पर जैसे बेटा थोड़े एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने लग जाएंगे तो हमारा स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट वाला फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए बेटा, तो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट वाला फैक्टर है बेटा वो भी हमारा लाइमलाइट में आ जाएगा, वो क्या करेगा बेटा, तो वो अपोज कर रहा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, जिससे बेटा एक दूसरे को अपोज करने से लगभग बेटा इन साइज में ज्यादा फर्क नहीं आ पाता है। तो मैंगनीज से लेके लगभग बेटा इस वजह से तो कॉपर तक की साइज सेम रहता है, पर निकल तक आप एग्जैक्ट कह सकते हो कि साइज बिल्कुल सेम रह रहा होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें बेटा, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने वाला फैक्टर है बेटा वो डोमिनेट कर जाता है, कैसे, क्योंकि इतने ज्यादा नंबर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं बेटा कि वो आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी करने लग जाते हैं। हमें पता है अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहे होंगे तो आप आउटर मोस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आती है 4s1 3d10, और यहाँ पे भी आती है बेटा 4s2 3d10, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, आपको लिख देता हूँ अच्छे से, इसको दिखाते हैं रेड पेन से, यहाँ पे इसकी क्या होगी बेटा 4s2 3d10, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप डी ऑर्बिटल भर के देखोगे इनके बेटा, तो फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने के कारण भी बेटा क्या होता है, हमारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने के कारण भी साइज में क्या होता है बेटा, साइज वेरी, साइज बढ़ता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, दस दस इलेक्ट्रॉन है बेटा ये इस तरीके से, है ना, ठीक है। तो ये आपस में क्या कर रहे होते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी कर रहे होते हैं, जिस वजह से बेटा हमारा साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अमंग द डी इलेक्ट्रॉन्स, एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, द रिपल्सन बिकम प्रीडोमिनेट, रिपल्सन बेटा डोमिनेट कर जाती है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सीरीज एंड द साइज इंक्रीजेस। तो इस वजह से बेटा क्या होता है, हमारा कॉपर से निकल में जाने में साइज काफी ज्यादा वेरिएशन कर जाता है, तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो
आइए चेक करते हैं बेटा हमारे पहले में क्या लिख रखा है कि Fe कोबाल्ट और निकल। देखिए मैंने आपको बताया कि Fe कोबाल्ट निकल का साइज ऑलवेज सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों फैक्टर एक दूसरे को ओज कर रहे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी या फिर फॉल्स भी बोल सकते हो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा पहली वाली। तो सेकंड स्टेटमेंट देखिए बेटा, एटम की रेडियस ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन डिक्रीज, बिल्कुल सही बेटा डिक्रीज करेगी, क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, फिर ऑलमोस्ट सेम रहते हैं क्योंकि दोनों फैक्टर एक दूसरे को अपोज करते हैं, बिल्कुल सही बेटा बात है निकल तक, ठीक है, मैंने इससे भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, Fe से कर लिया कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंक्रीज होता है बेटा कॉपर से जिंक क्योंकि यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉनिक पल्सन आ जाती है, वो डोमिनेट कर जाता है और साइज का होता है बेटा बढ़ जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी एब्सोल्युटली करेक्ट है, पहली इनकरेक्ट थी, ठीक है, तो आई चेक करते हैं दोनों करेक्ट नहीं है बेटा, दोनों इनकरेक्ट भी नहीं है, पहली इनकरेक्ट है दूसरी करेक्ट है, हैंस ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच।